हेलो स्टूडेंट, मैं एकता सिंह आप सभी का ज्ञान चैतन्य चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज के इस टॉपिक में हम शाहजहाँ से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं उसको कवर करेंगे। तो इनका टाइम पीरियड 1627 से लेकर 1658 ईस्वी तक रहता है। 1657 से लेकर 58। शाहजहाँ के बचपन का नाम खुर्रम था। खुर्रम का जन्म जो है 5 जनवरी 1592 में लाहौर में हुआ था। उनकी माता मारवाड़ के मोटा राजा उदय सिंह की पुत्री जगत गोसाई जोधाबाई से हुआ था। खुर्रम जन्म के अवसर पर दरबारी कवियों ने उसे विश्व विजेता कहा था। शाहजहाँ पहले नूरजहाँ गुट का प्रमुख सदस्य व सिंहासन का दावेदार था, किंतु नूरजहाँ द्वारा अपनी पुत्री लाडली बेगम का विवाह शहरयार से कराने पर जो है नूरजहाँ बादशाह पद के लिए शहरयार की दावेदारी करने लगी थी। अतः शाहजहाँ ने 1623 में क्या कर दिया था, बगावत कर दिया था। 1627 में जहांगीर की मृत्यु के समय जो है शाहजहाँ दक्षिण में था। अतः शाहजहाँ ने असुर आसफ खां के खुसरो के बेटे दवार बख्श को तख्त पर बैठकर कूटनीतिक चाल चली और बनारसी दास नामक दूत के माध्यम से संदेश भेजकर शाहजहाँ को बुलवा भेजा, तथा शाहजहाँ ने अपने भाइयों व प्रतिद्वंदियों का अंत करके अंत में दावर बख्श को भी मार दिया। वह 4 फरवरी 1628 को आगरा के राज सिंहासन पर अबुल मुजफ्फर शहाबुद्दीन मोहम्मद साहिब किरान सानी की उपाधि लेकर बैठा। समकालीन इतिहासकारों ने दावर बख्श को बली का बकरा कहा गया। तो याद रखिए, बली को बकरा मुगल काल में किसको कहा गया, दावर बख्श को। शाहजहाँ के काल में गोपनीय आदेश जो है शाह बुर्ज या मुसम्मन बुर्ज से जारी किए जाते थे, और शाहजहाँ प्रायः शादुल खान से परामर्श लेते थे, और शासक बनने से पहले जो है शाहजहाँ का मुख्य सहायक अब्दुल खां था। मुमताज का देख लेते हैं। शाहजहाँ का विवाह जो है मुमताज नूरजहाँ के भाई आसफ खां की पुत्री अंजुमन बानू बेगम जो कि 1612 में हुआ था, और वह इतिहास में मुमताज महल के नाम से प्रसिद्ध हुई, तथा आगरा का प्रसिद्ध मुमताज ताजमहल मुमताज की याद में शाहजहाँ ने बनवाया था। 1631 में मुमताज की 14वें बच्चे को जन्म देते समय बुरहानपुर जो कि मध्य प्रदेश में है वहाँ पर उनकी मृत्यु हो जाती है। मुमताज की 14 संतानों में केवल 4 पुत्र 3 पुत्रियाँ ही जीवित रहीं, जिसमें है जहांआरा, दारा शिको, रोशन आरा, औरंगजेब, शूजा, मुराद, गोहन आरा। मुमताज की दासी सत्य उन्निसा खानम उनकी विशेष सलाहकार रही हैं, और मुमताज को मलिक जनानी की उपाधि भी प्राप्त थी। आगे देखते हैं। शाहजहाँ अंतिम 8 वर्ष आगरे के किले में शाह बुर्ज यानी मुसम्मन बुर्ज में बंदी की तरह रहा। इस समय उनकी बड़ी बेटी जहांआरा उनके साथ रही, और शाहजहाँ पहला मुगल शासक था जो अपने जीवन काल में ही गद्दी से उतार कर क्या कर दिया था, कैद कर दिया गया था। जहांगीर की मृत्यु 1666 में यानी 1666 में हुई थी, और उसे ताजमहल में मुमताज के कब्र के पास ही दफना दिया गया। विद्रोह की बात करें तो 1628 में पहला विद्रोह जो है जुझार सिंह बुंदेला यानी वीर सिंह बुंदेला के पुत्र ने किया था। इस विद्रोह का कारण था कि जुझार सिंह के पुत्र विक्रमनजीत ने अत्यधिक कर लगाकर धन संपदा एकत्र कर ली थी। शाहजहाँ ने जुझार सिंह द्वारा एकत्र करों की जांच की आज्ञा दी थी, जिस पर जुझार सिंह मुगल दरबार छोड़कर ओरछा आ गए व विद्रोह कर दिया। महावत खां ने इस विद्रोह का अब्दुल खां के सहयोग से दमन किया, और अंत में जुझार सिंह ने 1629 में आत्मसमर्पण कर शाहजहाँ की अधीनता स्वीकार कर ली। जुझार सिंह ने 5 वर्ष तक मुगलों की सेवा के बाद 1635 में पुनः विद्रोह
कर दिया। जुझार सिंह ने गुड़वाना की राजधानी चौरागढ़ को जीतकर राजा प्रेम नारायण को मार डाला। औरंगजेब ने इस विद्रोह का दमन किया। 1635 में जुझार सिंह एवं विक्रम सिंह की गोंड आदिवासी द्वारा हत्या के साथ यह विद्रोह समाप्त हुआ। दूसरा विद्रोह 1628 में अफगान सरदार खाने जहां लोधी पीर खान ने किया। 1631 में खाने जहां माधो सिंह द्वारा मारा गया। शाहजहां का सिख गुरु हरगोविंद से बाज के विवाद में क्या हो गया, झगड़ा हो गया, और सिख सेना का नेतृत्व पाइंदा खान नामक पठान ने किया था। मुगलों व सिखों के बीच जो है हरगोविंद के समय श्री गोविंदपुर नामक नगर बसाने को लेकर झगड़ा हुआ तथा 1628 ईस्वी में अमृतसर, 1631 में लाहौर और 1634 में करतारपुर के युद्ध हुए। 1632 में हुगली का घेरा डालकर पुर्तगालियों को दंडित किया गया। महोबा के चंपत राय ने विद्रोह किया। अंत में उसे सुलह भी हो जाती है। मालवा में खाता खेड़ी के भागीरथ भील, छोटा नागपुर के राजा एवं नूरपुर के जमींदार जगत सिंह ने भी शाहजहां के समय विद्रोह किया था। तो बहुत सारे विद्रोह हुए हैं। इसके अलावा उनका देखते हैं अब कि कहां कहां उन्होंने साम्राज्य विस्तार किया एवं सैनिक अभियान। सबसे पहले है अहमदनगर का विलय। 1633 में अहमदनगर का मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया। वह अंतिम निजामी सुल्तान हुसैन शाह को कैद कर ग्वालियर के किले में भेज दिया। फतेह का अहमदनगर अभियान में मुगलों का एक सेना नायक था। अहमदनगर के पतन के बाद शाहजी भोसले अहमदनगर को छोड़कर बीजापुर की सेवा में चले गए। इसी समय शाहजहां ने मुराद के अनुरोध पर शाहजी को 5000 का मनसब और पूना की जागीर दी थी। 1636 में शाहजहां की दक्षिण नीति काफी हद तक सफल रही क्योंकि उसने काफी समय जो है दक्षिण में व्यतीत किया था। उसे दक्षिण का अनुभव एवं ज्ञान भी प्राप्त हो गया था। गोलकुंडा का देखते हैं तो 1636 में गोलकुंडा के शासक अब्दुल्ला कुतुब शाह के मुगलों के अधीन स्वीकार कर सिंधी संधि कर ली और गोलकुंडा में ईरान के शाह के स्थान पर शाहजहां के नाम का खुतबा पढ़ा। वह सिक्कों पर भी शाहजहां का नाम जो है सम्मिलित करवाया गया। गोलकुंडा को 400,000 हूनों का भी बीजापुर को देता था और माफ कर दिया गया। इसी समय गोलकुंडा का वजीर जो है मीर जुमला गोलकुंडा छोड़कर मुगलों की सेवा में आ जाता। मीर जुमला पहले फारसी व्यापारी था। मीर जुमला ने शाहजहां को कोहिनूर भेंट दिया। अब देखते हैं तो मीर जुमला ने ही जो है कोहिनूर अब मुगलों के उसमें आ जाता है। बीजापुर अभियान देखते हैं तो 1631 में शाहजहां के आसफ खां को बीजापुर का आक्रमण करने का आदेश दिया परंतु आसफ खां का आक्रमण असफल रहा। इसके बाद शाहजहां ने महावत को दक्षिण का सूबेदार क्या कर दिया, नियुक्त कर दिया। 1636 में बीजापुर के शासक मोहम्मद आदिल शाह ने भी मुगलों से संधि कर मुगल आधिपत्य स्वीकार कर लिया। शाहजहां के समय दक्कन के मुगल वायसराय की राजधानी बुरहानपुर थी। मध्य एशिया अभियान एवं नीति बल्ख और बदख्शां हिंदू पुष पर्वत के उत्तर में स्थित थे तथा बुखारा के उज्बेक शासक नजर मोहम्मद के नियंत्रण में थे। नजर मोहम्मद की काबुल पर नज़र थी अतः शाहजहां इसे दंडित भी करना चाहता था। बल्ख बदख्शां एवं बुखारा ट्रांस आक्सियाना के भाग थे। बल्ख व बदख्शां में मुगल समर्थित शासक होने से काबुल व पश्चिमोत्तर सीमा पर उज्बेक खतरे को कम किया जा सकता था। बुखारा के शासक नजर मोहम्मद के बेटे अब्दुल अजीज ने विद्रोह कर दिया तो नजर मोहम्मद ने शाहजहां से मदद मांगी व बल्ख में शरण ली। शाहजहां ने बल्ख और बदख्शां के विद्रोह विरुद्ध जो है पहला सैनिक अभियान शहजादा मुराद और अली मर्दान के नेतृत्व में 1646 में भेजा था। 1646 नजर मोहम्मद मुगलों के इरादों से आशंकित होकर ईरान भाग गया।
शाहजहाँ ने पहले मुराद को बल्ख व बदख्शां का गवर्नर बनाया तथा 1647 में मुराद के स्थान पर औरंगजेब का गवर्नर बनाया। औरंगजेब ने अब्दुल अजीज के नेतृत्व वाली उज़्बेक सेना को बुरी तरह पराजित किया, किंतु स्थानीय विद्रोह व ईरानी सम्राट शाह अब्बास द्वितीय के बढ़ते हस्तक्षेप के कारण शाहजहां ने औरंगजेब को बल्ख व बदख्शां को खाली कर वापस आने का आदेश दिया। शाहजहां के बल्ख अभियान का उद्देश्य बल्ख व बदख्शां में एक मित्रवत शासन की स्थापना करना था, ना कि मुगल साम्राज्य की वैज्ञानिक सीमा निर्धारित करना था। शाहजहां मुगलों के गृह प्रदेश समरकंद व फरगना को जीतने का इच्छुक नहीं था। बल्ख अभियान से मुगलों की प्रतिष्ठा को थोड़े समय के लिए बढ़ी, किंतु उसके कई राजनीतिक फायदे मुगलों को नहीं मिले तथा 4 करोड़ रुपए से ज़्यादा खर्च हुए। शाहजहां की मध्य एशिया नीति पूर्णतया विफल नहीं। कांधार अभियान देखते हैं। ईरान के शाह अब्बास द्वितीय ने मध्य एशिया में मुगलों की असफलता का लाभ उठाकर 1649 ईस्वी में कांधार को जीत लिया। कांधार को भारत का सिंह द्वार कहा जाता है। इससे पहले ही 1639 में कांधार में किलेदार अली मर्दान ने स्वेच्छा से कांधार को किला मुगलों को सौंप दिया, लेकिन 1648 में कांधार अंतिम रूप से मुगलों के हाथ से निकल गया। कांधार सामरिक महत्व का केंद्र होने के कारण मुगलों का बड़ा इससे धक्का पहुंचता है मुगलों को। शाहजहां के पहले 1649 ईस्वी में 1652 में औरंगजेब को व फिर 1653 में दारा शिकोह को कांधार जीतने के लिए भेजा, किंतु वे क्या हो गए, असफल हो गए। दारा शिकोह ने घोषणा की कि जो कोई अब तक ना कर सका वह मैं करके दिखाऊंगा, 7 दिनों के भीतर कांधार जीत लूंगा। 1649 से लेकर 1653 के बीच कांधार को जीतने के 3 अभियानों को 12 करोड़ रुपए खर्च हुए तथा मुगलों के राजनीतिक व सैनिक प्रतिष्ठा को भी धक्का लगा। तो कांधार जो है अभियान का ये रिजल्ट निकल के आता है। अब यहाँ पर शाहजहाँ की धार्मिक नीति भी देख लेते हैं। शाहजहाँ के प्रारंभ में स्वयं को इस्लाम का रक्षक घोषित किया और प्रशासन में मुसलमानों को प्राथमिकता दी। इसी कारण समकालीन इतिहासकारों ने शाहजहाँ को इस्लाम का मुजहिद व शरीयत का स्तंभ बताया है। शाहजहाँ अपने शासन के प्रारंभ में धार्मिक रूप से कट्टर तो था, किंतु बाद में जहाँरा व दारा के प्रभाव में उदार हो गया। शाहजहाँ ने सिजदा व पायबोस प्रथा समाप्त कर दी थी। तो यहाँ से क्वेश्चन आया है। 1636 से लेकर 37 ईस्वी में उसके स्थान पर चराहा तस्लीम की प्रथा जो है शुरू की थी। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया है। पगड़ी में बादशाह की तस्वीर पहनने पर रोक लगा दी। हिंदुओं पर कुछ समय के लिए तीर्थयात्रा कर लगाया। गोहत्या पर लगे प्रतिबंध को समाप्त कर दिया गया। आगे देखते हैं। 1633 में नवनिर्मित हिंदू मंदिरों को गिराने के आदेश दिए व नए मंदिरों के निर्माण पर रोक लगा दी। इस कारण बनारस, इलाहाबाद, गुजरात, कश्मीर में कई हिंदू मंदिर को तोड़ दिए गए। कश्मीर में हिंदू और मुसलमानों के बीच वैवाहिक संबंधों पर रोक लगा दी। पंजाब एवं कश्मीर के हिंदू मुसलमानों को विवाह कर से मुक्त कर दिया गया। 1634 में यह कानून बनाया कि मुस्लिम लड़की हिंदू से तभी शादी कर सकती है जब लड़का इस्लाम स्वीकार कर ले, तथा इस वर्ष यह आदेश जारी करवाया कि स्वेच्छा से धर्मांतरण कर इस्लाम स्वीकार करने वाले को पिता की संपत्ति में हिस्सा मिलेगा। शाहजहां ने हिंदुओं को मुसलमान बनाने के लिए पृथक विभाग की स्थापना की तथा हिंदुओं को मुसलमान गुलाम रखने से मना कर दिया। युद्ध बंदियों को मुसलमान बनाने की प्रथा फिर से प्रारंभ हो जाती है। शाहजहां ने इलाही संमत के स्थान पर फिर से हिजरी संमत चलाई थी। 1632 में पुर्तगालियों का दमन मुगल सूबेदार कासिम अली खान ने किया, जो हुगली में लोगों को बलपूर्वक ईसाई बना रहे थे। पुर्तगालियों से युद्ध के दौरान शाहजहां ने आगरा में गिरजाघर तोड़वा दिए। शाहजहां ने झरोखा दर्शन, तुलादान और हिंदू राजाओं के माथे पर तिलक लगाने की प्रथा जारी रखी।
अहमदाबाद के प्रमुख जौहरी एवं साहूकार शांतिदास को जैन मुनियों के विश्राम स्थल यानी पोशाला के निर्माण हेतु भूमि अनुदान दिया। शाहजहां ने चिंतामणि मंदिर की मरम्मत करवाई तथा खंबात के नागरिकों के अनुरोध पर गोहत्या बंद करवा दी। शाहजहां तीर्थ यात्रा कर पुनः शुरू करना चाहता था, परंतु काशी के विद्वान कविंद्राचार्य सरस्वती के कहने पर उनकी जो है आज्ञा वापस ले ली तथा बनारस और इलाहाबाद पर लगने वाले तीर्थ यात्रा कर को भी समाप्त कर देते हैं। शाहजहां एक अच्छा गायक था, वो फलित ज्योतिष में विश्वास रखता था। मोरलैंड के अनुसार शाहजहां का युग जो है किसानों के लिए शांति का युग था। अब कुछ इम्पोर्टेंट देख लेते हैं। शाहजहां के काल में 1630 से लेकर 32 के बीच गुजरात दक्षिण में भयंकर आकार पड़ा था। इटली व्यापारी पीटर मुंडी ने इसका उल्लेख किया है। शाहजहां ने दक्षिण के अकाल के समय दक्षिण के भू राजस्व का 1/11 भाग माफ कर दिया था। शाहजहां ने तख्ते ताऊस यानी मयूर सिंहासन नामक रत्न जड़ित सिंहासन बनवाया था। उसके शिल्पकार बेवादल खान थे और इस सिंहासन पर जो है 1739 में नादिर शाह कहाँ ले गया था, ईरान ले गया था। और शाहजहां के काल को मुगल इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। शाहजहां ने 98 मील लंबी रावी नहर क्या करवाई थी, बनवाई थी। दूसरी नहर नहर ए साहिब फिरोज तोगलक द्वारा निर्मित ये मरम्मत करवाई थी, 60 मील लंबी करवा दी थी और उसका नाम नहर बहिस्त रखा था। शाहजहां के शासनकाल का वर्णन फ्रेंच बर्नियर और ट्रेवनियन व इटालियन मनुची ने भी किया है। शाहजहां का प्रथम शिक्षक मुल्ला कासिम बेग तरबीजी था, लेकिन शाहजहां हकीम अली गिलानी से सर्वाधिक प्रभावित था, जिससे उसने चिकित्सा शास्त्र की क्या ली थी शिक्षा प्राप्त की थी। रुकैया बेगम से शाहजहां ने तुर्की भाषा सीखी थी। तो याद रखिए रुकैया बेगम जो है अकबर की बीवी थी और ये उसका क्या हुआ, ये उनकी दादी हुई और ये पोता हुआ। तेलंगाना के इनके कोई पुत्र नहीं था। तेलंगाना के बालाघाट में स्थित कंधार के दुर्ग को शाहजहां ने विजित किया। शाहजहां ने जोधपुर के अमर सिंह के दावों को अनदेखा करके जसवंत सिंह को टीका दिया था। दिल्ली में दारुल शफा अस्पताल जो है शाहजहां के उसमें ही बना और 1632 में जो है माही मराटिव नामक सर्वोच्च सम्मान की शुरुआत की थी शाहजहां ने। ये सम्मान सबसे पहले फारस के शासक खुसरो परवेज ने शुरू किया था। राजस्थान में बीकानेर जोधपुर जयपुर राजाओं को ये सम्मान दिया गया। दिल्ली सल्तनत में भी ये सम्मान दिया गया था। अब उत्तराधिकार देख लेते हैं। तो उत्तराधिकार यहाँ पर हैं 1657 से लेकर 58 ईस्वी, सितंबर 1657 से लेकर शाहजहां के बीमार पड़ने पर उनके 4 पुत्र थे। गद्दी को लेकर क्या हो जाता है, घमासानी युद्ध हो जाता है। शाहजहां ने दारा, वैसे तो शाहजहां चाहता था कि दारा जो है नेक दिल का है और वही जो है सिंहासन पर बैठे, अपना उत्तराधिकारी भी घोषित करता है। उत्तराधिकारी युद्ध में जहां आरा ने दारा शिख और रोशन आरा ने औरंगजेब और गोहन आरा ने मुराद बख्श का पक्ष लिया था। तो बहनें ही अलग अलग भाइयों का पक्ष ले रही हैं। शाह सुजा ने बंगाल में तथा मुराद ने गुजरात में अपने को बादशाह घोषित किया था। औरंगजेब ने कूटनीतिक चुप्पी रखी और औरंगजेब दक्षिण का सूबेदार था उस समय, और पहले आपस में लड़ लें फिर बाद में जो है जो बचेंगे उसके साथ मैं युद्ध करूँगा, यही उनकी कूटनीति थी, इसलिए वो चुप थे। उत्तराधिकारी युद्ध होने से पूर्व औरंगजेब ने सत्तारी सिलसिले के शेख बहारुद्दीन एवं शेख अब्दुल लतीफ से आशीर्वाद लिया। उत्तराधिकारी युद्ध प्रारंभ होते समय शाह सुजा बंगाल
मुराद गुजरात एवं दक्षिण का सूबेदार था और पंडारा पंजाब का सूबेदार था। मनुची उत्तराधिकारी युद्ध का प्रत्यक्ष दर्शी था। अब यहाँ पर होता है बहादुरगढ़ का युद्ध 14 फरवरी 1658 में। बहादुरगढ़ का शाह सुजा व शाही सेना के बीच बनारस के पास होता है बहादुरगढ़ का युद्ध। और यहाँ पर जो है सुजा हार जाता है और कौन जीत जाता है, यहाँ पर शाह सुजा जीत जाता है। शाही सेना का मतलब सुलेमान शिखो यानी दारा शिखो का पुत्र व मिर्जा राजा जय सिंह ने किया था। आगे देखते हैं धर्मत का युद्ध औरंगजेब और मुराद के बीच होता है और धर्मत के युद्ध में औरंगजेब जसवंत सिंह व कासिम खां के नेतृत्व वाली शाही सेना को पराजित कर दिया। मुराद यहाँ पर हार गया। धर्मत विजय की स्मृति में औरंगजेब ने फतेहाबाद नगर की स्थापना की थी और जसवंत सिंह जब धर्मत से पराजित होकर जोधपुर आया तो रानी ने उसे किले में नहीं घुसने दिया था। सामूगढ़ का युद्ध 29 मई 1658 ईस्वी में आगरा के पास लड़े। इस निर्णायक युद्ध में औरंगजेब व मुराद की सम्मिलित सेना ने दारा को पराजित कर आगरा पर कब्जा किया और शाहजहां को बंदी बनाकर आगरा के किले में मुसम्मन बुर्ज में कैद कर लिया। सूमागढ़ का युद्ध जो है निर्णायक माना जाता है। सामूगढ़ की जीत के बाद औरंगजेब ने मुराद को बंदी बनाकर ग्वालियर के दुर्ग में भेज दिया व हत्या करवा दी। खजुआ का युद्ध देखते हैं, ये होता है औरंगजेब और सूजा के मध्य और इसमें औरंगजेब जीत जाता है और सूजा हार जाता है। सूजा जो है बर्मा भाग जाता है, वहीं उसकी मृत्यु हो जाती है। देवरिया का युद्ध जो है अजमेर के निकट ही ये दौराई या देवरिया घाटी पड़ती है, वहीं पर युद्ध होता है औरंगजेब और दारा के बीच में और यही देवरिया का अंतिम था। तो औरंगजेब जीत जाते हैं, दारा हार जाते हैं। मलिक और मलिक जीवन नामक बलूची सरदार ने विश्वासघात के कारण बोलन दर्रे में दारा पकड़ा गया। मलिक जीवन ने दारा व उसके पुत्र सिफर शिको को औरंगजेब को सौंप दिया। दारा को न्यायाधीशों ने विधर्मी घोषित कर मृत्युदंड दे दिया। दारा की पत्नी नादिरा बेगम का भी बीमारी के कारण दादर में स्वर्गवास हो जाता है। बर्नियन के अनुसार दारा को मृत्युदंड देते समय अपनी आंखों से देखा था बर्नियन ने। फ्रांसीसी डॉक्टर बर्नियन ने 1658 में शाहजहां के अंतिम समय में भारत आया था। दारा को हुमायूं के मकबरे में दफनाया गया और दारा के साथी सरमद को इस्लाम की आलोचना करने के कारण मृत्युदंड दिया गया। सरमद शरीयत की उपेक्षा करते थे। शरीयत की अपेक्षा करने वालों को मजजूब कहा जाता है। औरंगजेब व मुराद के बीच हुए समझौते में दारा को रईस अल मुलाहिदा यानी अपधर्मी शहजादा कहा गया। दारा के सबसे बड़े लड़के सुलेमान शिखो को 1662 में धीमा जहर देकर ग्वालियर के किले में मार दिया गया। सुलेमान शिखो ने श्रीनगर में आश्रय लिया। अब आगे देखते हैं औरंगजेब ने अपनी तीसरी लड़की की शादी दारा के लड़के सिपहर शिखो के साथ की तथा पांचवी बेटी की शादी मुराद के लड़के इजीद के बख्श के साथ की थी। दारा शिखो देखते हैं, दारा शिखो का जन्म जो है 1615 में अजमेर में हुआ था। दारा अकबर की भांति उदार विचार के था और दारा कादरी संप्रदाय के सूफी संत मुल्ला शाह के शिष्य थे। शाहजहां ने दारा को कंधार अभियान के समय 1652 में शाह बुलंद इकबाल की उपाधि भी दी थी। लेनपुर ने दारा को लघु अकबर भी कहा है। कभी कभी पूछा जाता है लघु अकबर किसको बोलते हैं, दारा को। दारा ने काशी के पंडितों के सहयोग से जो है 52 उपनिषदों का सिर ए अकबर द ग्रेट सीक्रेट नाम से जो है फारसी अनुवाद करा था। दारा ने मुजम उल बहरीन दो समुद्रों का संगम नामक पुस्तक की रचना भी की और दारा ने ही भगवत गीता व योग वशिष्ठ का फारसी में अनुवाद कराया। दारा का सबसे महत्वपूर्ण कार्य जो है वेदों का संकलन है। उसने हिंदू साहित्य के वेदों को ईश्वरीय कृति माना है। दारा के सूफी मत के बारे में 5 ग्रंथ लिखे गए। कौन कौन से 5 ग्रंथ ये?
सफीनत उल औलिया, सफीनत सकीनत हसनात उल आरफीन, और इसके बारे में भी है कि ये क्या है। तो सफीनत जो है विभिन्न परंपराओं के सूफियों का जीवन वृतांत है, सकीनत जो है कादरी सूफियों का वृतांत है, हसनात उल आरफीन जो है विभिन्न संतों की वाणी है, तरीकात उल हकीकत आध्यात्मिक मार्ग के विभिन्न चरण हैं, और रिसालाए हक नुमा जो है सूफी प्रथाओं का वर्णन है। तो ये पांच ग्रंथ है, पांचों के पांचों हमें याद होने चाहिए। आगे है मनुची जो है नामक इटालियन ने दारा शिको के यहाँ तोपची की नौकरी की थी, और दारा की मृत्यु के बाद उसने चिकित्सा का व्यवसाय अपना लिया था। दारा शिको ने चित्रकारी का एक एल्बम भी तैयार करवाया था, अपनी बेगम को भेंट किया था। यह एल्बम आज भी इंडिका हाउस लाइब्रेरी लंदन में सुरक्षित है। तो देखिए हमारे प्राइमरी सोर्स कहाँ पर पहुँच गए। तो अंग्रेजों को इतनी अच्छी पेंटिंग लगी कि उस एल्बम को ही लेके अपने लाइब्रेरी में सजा के रखे हुए हैं। अब जहांआरा की बात करते हैं। जहांआरा चूँकि इन्होंने शाहजहाँ के अंतिम समय में थी, इसलिए यहाँ पे कुछ हम डिस्कस कर लेते हैं। शाहजहाँ की जीवन संतानों में सबसे श्रेष्ठ जो है जहांआरा थी। ये मखफी नाम से कविताएं लिखती थी तथा उसने शाहजहाँ नाबाद में साहिबाबाद बगीचे का निर्माण करवाया एवं आगरे के किले में जामा मस्जिद का निर्माण करवाया। जहांआरा पादशाह बेगम या बेगम साहब के नाम से प्रसिद्ध हैं। जहांआरा ने चांदनी चौक की डिजाइन बनवाई थी, उसे सूरत के राजस्व से हिस्सा प्राप्त होता था। शाहजहां ने जहांआरा को साम्राज्य की प्रथम महिला साहिबा तुज जमानी का खिताब था और उसे औरंगजेब ने भी बरकरार रखा। बर्नियर ने जहांआरा एवं शाहजहां के बीच अपवित संबंधों का उल्लेख करता है। तो ये सब बर्नियर की बातें हैं। आगे देखते हैं बाकी जो है उनमें दोनों में बहुत ज़्यादा प्रेम था पिता और बेटी का। आगे देखते हैं अब औरंगजेब का जो है अगले वीडियो में देखेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।